दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट और खूबसूरती के बारे में, तो दोस्तों उसका एक ही आंसर होगा। दोस्तों, क्रिकेट और खूबसूरती मतलब एलिस पेरी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एलिस पेरी के बारे में कि कैसे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और कैसे वो फैशन शो में छाई रहती हैं। दोस्तों, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। दोस्तों, एलिस पेरी का जन्म न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। दोस्तों, एलिस पेरी ने एक साथ दो खेल खेलने शुरू किए थे, नंबर एक क्रिकेट और नंबर दो फुटबॉल। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। दोस्तों, एलिस पेरी ने 2007-08 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में डेब्यू किया था। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट में डेब्यू करने के साथ साथ ही उन्होंने फुटबॉल में भी डेब्यू किया था। दोस्तों, एक साथ फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में डेब्यू करना एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एलिस पेरी बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो भी इंटरनेशनल खेल में। दोस्तों, एक साथ दो इंटरनेशनल खेल खेलना बहुत ही बड़ी बात होती है। दोस्तों, एक तरफ एलिस पेरी क्रिकेट से चौके छक्के लगाती हुई नज़र आती हैं और दूसरी तरफ फुटबॉल से गोल करती हुई नज़र आती हैं। दोस्तों, एलिस पेरी के इस टैलेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? दोस्तों, एलिस पेरी एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दो खेलों में रिप्रेजेंट किया है और देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, एलिस पेरी एक तरफ तो फुटबॉल की जर्सी में दिखती हैं और दूसरी तरफ क्रिकेट की जर्सी में, लेकिन दोस्तों उसके बाद एलिस पेरी ने सोचा कि एक ही खेल को खेलना चाहिए और एक ही खेल को कंटिन्यू करना चाहिए। तो दोस्तों, एलिस पेरी ने सिर्फ क्रिकेट को चुना और फुटबॉल को छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, एलिस पेरी ने क्रिकेट के ऐसे कीर्तिमान बनाए जो कि किसी महिला क्रिकेटर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कि महिला में कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एलिस पेरी ने सबसे पहले डबल सेंचुरी बना दी, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ दोस्तों, एलिस पेरी पहली ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाई है और दोस्तों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी ज़बरदस्त प्लेयर हैं। दोस्तों, टेस्ट मैच के साथ साथ अगर बात करें वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में तो एलिस पेरी के बहुत सारे कीर्तिमान हैं, लेकिन दोस्तों वनडे में भी उनके शानदार रिकॉर्ड्स हैं। दोस्तों, एलिस पेरी का हाई आर्म एक्शन है। दोस्तों, अपने हाई आर्म एक्शन की वजह से उन्होंने विरोधी बल्लेबाजों को हालत ख़राब कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वो एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, चाहे गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें और दोस्तों चाहे फील्डिंग की बात करें। दोस्तों, एलिस पेरी को बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आईसीसी का अवार्ड भी मिल चुका है और दोस्तों ये अवार्ड पाने वाली वो पहली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। दोस्तों, वनडे क्रिकेट में उनको स्पेशलिस्ट बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वनडे में उनकी 20 से ज़्यादा हाफ सेंचुरी है और शतक भी है। जी हाँ दोस्तों, और गेंदबाजी की बात करें तो 100 से ज़्यादा विकेट वनडे में उनके नाम है। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी कितनी ज़बरदस्त खिलाड़ी रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में उन्होंने इंडिया की वुमेन आईपीएल में भी शिरकत की थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से क्रिकेट खेला था। दोस्तों, अपनी क्रिकेट के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली एलिस पेरी एक बहुत ही शानदार एथलीट है जो कि ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ उन्होंने अब लीग क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। हाल ही में आरसीबी ने उनको अपनी टीम में शामिल किया था और जब उनसे पूछा गया कि उनको किसके साथ ओपनिंग करनी है, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने स्मृति मंधाना का नाम लिया था। दोस्तों, मुरली विजय, जो कि भारत के एक टेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एलिस पेरी के साथ लंच करने का ऑफर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस पर एलिस पेरी ने मजाकिया अंदाज में रिप्लाई किया था। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि मुरली विजय ट्रोल हो गए थे यूट्यूब पर। जी हाँ दोस्तों, एलिस पेरी से जब पूछा गया कि वुमेन आईपीएल के दौरान कि वो किसके साथ ओपनिंग करना चाहेंगी, तो दोस्तों उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया। दोस्तों, एलिस पेरी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।